हम 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 31 करने वाले हैं। तो चैप्टर वही आपका त्रिभुज है, और इसमें हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान की क्या क्या जरूरत है। त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों का समझ, हमने सर्वांग समता की कसौटी की समझ पढ़ ली थी कि किस किस तरह से त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांग सम हो सकते हैं भुजा 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 से, इनके साइड 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 से, या तो तीनों साइड बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज की, या फिर दो भुजा एक कोण, या फिर एक कोण और दो भुजा, या फिर RHS से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, भुजा और कर्ण बराबर हो जाए। ठीक, अब इसमें कहता है कुछ सवाल है, और माध्यिका भी हम जानते हैं, माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, आपसे कहता है, आपको स्क्रीन पे दिखा, एक त्रिभुज की ABC की दो भुजाएं ए बी और ए सी, ए बी और बी सी, सो ए बी और बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुज और माध्यिका ए डी, और माध्यिका ए डी, त्रिभुज की पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, क्यू आर और पी एन के क्या हैं जी, माध्यिका पी एन के बराबर हैं। तो दर्शाए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू एन के, और ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए उसने बोला कि ए डी और पी एन जो माध्यिका हैं, और उसने कहा बराबर भी हैं, अगर ये बराबर हैं, सॉरी बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ये हमको दिया है जी, बी सी बराबर क्यू आर हमको दिया है, और ये माध्यिका है, माध्यिका का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि अगर मैं इसका आधा कर दूं और इसका भी क्या कर दूं जी, आधा कर दूं, तब भी क्या होंगे बराबर। तो बी सी का आधा क्या लिख दिया मैंने, बी बी, और क्यू आर का आधा क्या लिख दिया मैंने, क्यू एन, क्योंकि माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ये माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, अगर ये पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ले लीजिए त्रिभुज कौन से चाहिए, कौन से त्रिभुज चाहिए आपको, पहले भाग के लिए चाहिए त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा चाहिए, पी क्यू एन। ठीक है, पहले इसी को करते हैं, ए बी डी के अंदर क्या हो गया, ए बी डी के अंदर आ जाएगा आपका ए बी, ठीक है, और इसके अंदर पी क्यू, ए बी और ये पी क्यू, क्या है हमको ये दिया है कि दोनों बराबर है। और त्रिभुज, ओ सॉरी, दूसरी चीज क्या है, पी एन बराबर ए डी, ये भी क्या है हमको दिया है, पी एन बराबर, सॉरी ए डी बराबर पी एन, पहले ए डी लिखेंगे इस वाले त्रिभुज का, इस वाले क्या लिख देंगे आप पी एन, ये भी क्या है हमको दिया है। और त्रिभुज ए बी डी के अंदर बी डी, पी क्यू आर के अंदर क्यू एन, बी डी बराबर क्यू एन, ये क्यों है जी हमारे पास, प्रूफ्ड हो, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है जी हमने। अच्छा जी, तीन भुजा बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया आपके पास, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के, कैसे, साइड साइड साइड, यही चीज है पहले भाग में मुझे। अब देखते हैं दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग हम यही कर रहे हैं, हमें दूसरा त्रिभुज चाहिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये सर्वांग सम करना। तो ए बी सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी, और पी क्यू आर के अंदर आपको पी क्यू, ये क्या है आपको दिया है, ये दोनों बराबर है आपको दे रखा है, ये ए बी बराबर पी क्यू, फिर ए बी सी के अंदर आपका क्या है जी बी सी, और इसके अंदर क्या हो गया आपका क्यू आर, ये भी क्या है आपको दिया है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज सर्वांग सम कर चुका हूँ तो इसका बी कोण इसके क्यू कोण के क्या होगा, बराबर लिख सकता हूँ, बी कोण बराबर क्यू कोण बराबर होगा, ये लिख सकता हूँ, कारण सी पी सी टी। अब ये क्यों करा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ी है, दो भुजा तो बराबर है, तीसरी चीज क्या करें, तीसरी चीज हम कर देंगे कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्यों, ऊपर सिद्ध किया है, त्रिभुज क्या हो गया आपके, तीन चीजें बराबर हो गई, त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, कैसे हो गया जी, साइड साइड एंगल, ठीक है जी, भुजा भुजा कोण इस तरह से लिख दो, या फिर हम किस तरह से लिख देते हैं, साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक कोण, ठीक है जी। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा उदाहरण कहता है बीई और सी एफ, एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है, बीई और सी एफ ये बराबर भी हैं और शीर्षलंब भी हैं, बीई बराबर है सी एफ के, और ये दोनों ही क्या है जी, लंब है,
यानी कि इन दोनों ये दोनों कोण कितने के बैठेंगे आपके 90 डिग्री। ठीक। अच्छा, उसके बाद कहता है कि आरएचएस सर्वांगसमता का नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाह हो। त्रिभुज दो भुजा इसके बराबर है, आरएचएस का नियम का प्रयोग करना है, यानी कि एक समकोण होना चाहिए 90 डिग्री का, एक कर्ण होना चाहिए, एक भुजा। कर देंगे। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है। एबीसी है त्रिभुज, तो भुजा कौन सी बराबर होगी, एबी बराबर एसी दिखाना आपको, एबी बराबर एसी, ये लिख दो त्रिभुज एबीसी क्या है जी आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको दिखा। तो देखिए इसकी उपस्थिति, त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज सी बी ई, सी बी एफ, सी बी एफ। ठीक है, तो क्या है जी, देखिए बी सी ई के अंदर आपका बी ई और सी बी एफ के अंदर आपका सी एफ, क्या है हमको ये दिया है कि दोनों क्या है जी बराबर। ठीक है, और बी सी ई के अंदर, बी सी ई के अंदर कोण एक है और सी बी एफ के अंदर कोण दो है, ये प्रत्येक कितने का है आपका 90 डिग्री का। ठीक, तीस चीज क्या है, सी बी ई में भी और सी बी ई कहो या बी सी एफ कहो, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, बी सी, यानी कि बी सी बराबर आपका क्या है सी बी। तो ये क्या है आपके लिए उभयनिष्ठ, जो दोनों में होता है कॉमन, यानी कि जो कॉमन है तो त्रिभुज क्या हो गया आपका बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी बी एफ के, कैसे आर एच एस से। ठीक है जी, एक 90 डिग्री कोण है, एक कर्ण है आपका बी सी, तो कर्ण ही है आपके लिए। ठीक, अरे पूछा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, मुझको आजादी होगी, मैं इसका कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी क्या जो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा बी सी ई का, बी सी ई के अंदर मैंने कह दिया कौन सी, और सी बी एफ के अंदर मैंने कह दिया कौन बी। ठीक है जी, कारण सी पी सी टी, त्रिभुज सर्वांगसम। अब जब त्रिभुज बराबर हो गए तो मुझको आजादी होगी कि समान कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है बराबर, तो C के सामने कौन सी भुजा है, कौन सी के सामने भुजा, देखिए ये है AB, C के सामने भुजा है AB, और कौन B के सामने भुजा, देखिए B के सामने भुजा है आपकी AC। ठीक है, कारण समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक है जी, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो दो भुजा क्या आ गई त्रिभुज एबीसी की, बराबर आ गई, आ गया एबी बराबर है एसी, अगर दो भुजा बराबर आ गई तब लिख देंगे अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है जी, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक बात, अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहला क्वेश्चन देखिए, के जो प्रश्न दिया उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कहता है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, AD जो है वो ABC का क्या है शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री, जिसमें AB बराबर AC है, दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विबाहित करता है। उसने कहा एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज था ABC जिसके अंदर AB बराबर है किसके, AC के, और AD क्या है लंब है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो हमें शो करना है कि जो है एक BD बराबर क्या है जी आपका CD, आपको शो करना है, सिद्ध करना है। तो उपपत्ति देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसमें जी ACD में, ABD के अंदर AB और उसके अंदर क्या जी AC, क्या ये हमको दिया है, दोनों में है ये दे रखा है, और AD लंब है, लंब का मतलब ये दोनों कोण कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, लंब डालना तो दोनों 90 के, और दोनों में क्या है AD क्या है दोनों में कॉमन। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया, तो त्रिभुज क्या हो गया आपका ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके ACD के, कैसे RHS से।
एक एंगल 90 डिग्री का है और दो क्या है साइड है, ठीक है। त्रिभुज सर्वांग समग्र हमको आ जाती कुछ भी क्या कर सकते हैं बराबर, ए बी डी के अंदर कौन सी भुजा, बी डी, और उसके अंदर सी डी, तो क्या लिख दिया बी डी बराबर सी डी, कारण सी पी सी टी। सर्वांग समग्र त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का हल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, क्या कहता है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, फिगर भी आपको दिख रही है, कहता है ए बी सी और डी बी सी ए की आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज, कहता है ए बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैंने कह दिया ए बी बराबर होगा ए सी के, और डी बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैंने कह दिया डी बी बराबर होगा डी सी, ठीक है जी। ए और डी बी सी के एक ही ओर है, दोनों एक ही साइड में है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कहता है यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर, ए डी को बढ़ा दे तो बी सी को कहाँ काट रहा है, पी पर काट रहा है, तो हमको दर्शाना है कि ए बी डी और ए सी डी सर्वांग सम त्रिभुज है, ए बी डी आपको ये त्रिभुज दिख रहा है और ए सी डी आपको ये दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से जरा पत्ती त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने, त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। हम जानते हैं ए बी डी की भुजा कौन सी है आपकी, ए बी डी की भुजा ले ली हमने ए बी, ठीक है शुरू के तो, और ए सी डी की भुजा ले ली हमने ए सी, ये क्या है हमको दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर ए बी डी की भुजा हमने आपकी ले ली डी बी, क्या ले लीजिए डी बी, तो इसकी भुजा क्या ले ली हमने डी सी, ये भी क्या है हमको दिया है। फिर ए बी डी की भुजा ए डी और इसकी भुजा ए डी, दोनों में क्या है ए बी डी के अंदर भी ए डी आ रहा है और ए सी डी के अंदर भी ए डी आ रहा है, तो ये क्या है जी हमारा उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया इसके, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ऐसे साइड साइड साइड, और हमें त्रिभुज सर्वांग सम ही तो करने थे ये दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारे सर्वांग सम हो गया। इसी के साथ वर्कशीट क्या होती है आपकी कंप्लीट हो जाती है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कोई चीज़ नहीं आई समझ में तो उसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं आप जो है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि और दोस्तों का भी भला हो सके, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।